वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश के चैनल पे। आज आपके लिए यार कुछ नए चीजें करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई तो हो चुकी है, एमएसटी सीटी 2022 के लिए प्रिपरेशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ नए नए चीजें ला रहे हैं ताकि सभी बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हो सके। और यार कोई भी चीज हम लोगों को प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, और वही प्रैक्टिस करवाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बच्चों आपके लिए स्टडी प्लान का हम लोग यहां पे कुछ मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों को कुछ प्लान होना चाहिए, उस हिसाब से करोगे तो श्योर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नंबर्स बढ़ेंगे, आपका जो सपना होगा सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी वीआईटी क्वालिजन कॉलेज हो, रामदेव बाबा कॉलेज हो, एचजीजीएस कॉलेज हो, के वाक कॉलेज हो, औरंगाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है, जो भी सपना है उस सपने को साकार करने के लिए हमको रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है बेटा। तो ऐसे ही चक्रव्यूह आपके लिए महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं सीटी देना चाहते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए फ्री एक मॉक टेस्ट होने वाली है, यह सभी बच्चे दे सकते हैं, मॉक टेस्ट सभी बच्चे दे सकते हैं, फ्री है। अपने दोस्तों को भेजो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये मॉक टेस्ट अरेंज की जा रही है। पहले ही फ्री मॉक टेस्ट है रोटेशनल डायनामिक्स, ये 11/7/2022 के लिए, मतलब बेटा आपको मंडे ऑनवर्ड, मतलब कल से मंडे ऑनवर्ड आपको ये मॉक टेस्ट दो बजने के बाद ही हम लोग यहाँ पे फ्री कर रहे हैं, शाम के 8 बजे तक दे सकते हैं। उसका जो भी 8 बजे आपका रिजल्ट लगेगा ऐप पे आके देख सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है, सभी बच्चे दे दो ताकि पता लगेगा कि हम लोग कितने पानी में है, सही में पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है या क्या है, तो ये पता करने के लिए। और जैसे सीईटी सेल एग्जाम लेती है वैसे ही एग्जाम हम लोग आपकी ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे बोलेंगे सर चक्रव्यूह बैच में जो मॉक टेस्ट लेने वाले हो, मॉक टेस्ट किस तरीके से होने वाले, कितने मॉक टेस्ट देने वाले हैं, सब डिटेल में यहाँ पे आपके लिए ये लिख के आया। देखो बेटा इसमें मैं स्लॉट कर रहा हूँ, चार चार चैप्टर का एक स्लॉट है, कितना, चार चार चैप्टर का एक स्लॉट है। मतलब पहले मॉक टेस्ट में आपको रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशंस, थर्मोडायनामिक्स, ये 12 तारीख, कितने तारीख को बेटा, 12 तारीख को आपकी एग्जाम होगी। इस एग्जाम में आप लोगों को पता लगेगा कि कितने, और ये कितने सवाल होंगे सर, तो 50 MCQs होंगे, 50 MCQs, एक मतलब जैसे सीईटी सेल में 50 MCQs होते हैं वैसे ही। अब ये चार चार चैप्टर का क्यों, क्योंकि आपको चार चैप्टर करने के लिए समय भी मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, आप कितने सवाल कर पा रहे हैं, एनालिसिस होगा इसके अंदर, आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी है बेटा ऑक्सीलेशन सुपरपोजिशन व्यूज व्यू ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 14, बेटा एक दिन आपको रिवाइज करना है, देखना है पीवाई की 2021 के देखो, 2020 के देखो, सब देख के ये करोगे तो ये आपके मॉक टेस्ट का टाइम टेबल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक मटेरियल एंड ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 16 जुलाई को है बेटा, 16 जुलाई को। बाद में आपको एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये 18 तारीख को आपकी मॉक टेस्ट होगी, गॉट इट, ये देखो। इसके बाद में ये हो गया बेटा 18 तारीख, इसके बाद में 20, 25 और 26। अब 20 तारीख को आप लोगों को यहां पे 11 की 20 तारीख को बीच में हमने 5 दिन का गैप दिया, पूरा प्रिपरेशन अच्छा करो। फिजिक्स पार्ट वन कितने चैप्टर आते हैं, 8 चैप्टर, कितने चैप्टर आते बेटा, 8 चैप्टर आते हैं, 8। कौन कौन से बता दूं, आप बोलेंगे सर फिजिक्स पार्ट वन, देखो फिजिक्स पार्ट वन का मतलब क्या सर, इसमें आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूं रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बाद में कौन सा बेटा केटीजी, शॉर्टकट में लिखूंगा यहां पे, ये थर्मो है बेटा, थर्मो होने के बाद कौन सा है चैप्टर बता सकते हैं, ऑक्सीलेशन है सर, ऑक्सीलेशन के बाद सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज है, उसके बाद में सर व्यू ऑप्टिक्स, एक्चुअली 8 चैप्टर ले रहा हूं, व्यू ऑप्टिक्स है, व्यू ऑप्टिक्स होने के बाद सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 8 चैप्टर, एक्चुअली ये पार्ट वन पार्ट टू बोलना गलत होगा लेकिन बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद में जो दूसरी टेस्ट होने वाली है, देखो 11 की 20 तारीख को 11 के 8 चैप्टर है, पता है सिलेबस आप लोगों को। इसके बाद में फिजिक्स पार्ट टू की आपकी 26 को है, 26 को यहाँ पे दी वाली है, यहाँ पे जानबूझकर थोड़ा सा गैप दिया नहीं है मैंने, ठीक है, ये एग्जाम आपके लिए ऑल चैप्टर है पार्ट टू। इसमें कौन कौन सा है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक मटेरियल है ना,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर होगा, है ना। यहाँ पे ई एम आई, बाद में एसी है बेटा, एसी होने के बाद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर है। चलो अगली जो टेस्ट होगी आपके लिए फुल सिलेबस, मतलब पूरा की पूरा सिलेबस जो है उसके ऊपर टेस्ट होने जा रही है, ठीक है। फुल सिलेबस के ऊपर आपकी एक टेस्ट होने जा रही है, वो है बेटा एक 31 जुलाई, ठीक है। दूसरी जो टेस्ट बेटा फुल सिलेबस है 2 तारीख को है, बाद में फुल सिलेबस पे जो बाद में 10 नंबर की जो है बेटा वो 4 तारीख को है। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाद में भी टेस्ट होगी क्या, बेटा लास्ट की जो फुल सिलेबस पे 11 नंबर की जो है उसकी डेट इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे, बच्चे का मूड देख के लेने वाले, कौन से बच्चे का मूड, मतलब टोटल 11 टेस्ट दे रहे हैं, ये बच्चे का मूड देख के, मतलब क्या होता है आपकी एग्जाम पता है आपको कि चालू होने जा रही है, तो ऐसे समय पे कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर लो नहीं लो, लेकिन 10 आपको फुल कितने मिल रहे बेटा, टोटल 3। ये बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट लिखना है आप लोगों को कि सर ये भी टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे की एग्जाम चालू होगी, है ना। तो नाराज नहीं करूंगा आपको, 10 ये टेस्ट देने के बाद मैं वादा करता हूं आप लोगों को 100% यार, इस टेस्ट के कारण और इस टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट के कारण प्रेशर आता है, प्रेशर आने के कारण आदमी पढ़ाई करता है, एनालिसिस करो एग्जाम होने के बाद, इस तरीके से भी करोगे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूं बेटा सबको पता है, अब टेस्ट में क्या हो रहा है, पहले चैप्टर कंप्लीट हो रहे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस करो, मतलब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जो बच्चे करेगा, एनालिसिस करेगा इन बच्चों को, मैं 100% बेटा पढ़ाई कम भी रही तो भी 40 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो टेस्ट है ना आपके सीईटी सेल में वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने वाले है। तो इस तरीके से आपका प्लान, उसकी जो लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल रही है आप लोगों को, अभी जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसकी जो फीस कितनी है सर, तो इसके फीस के बारे में बता देता हूं बेटा, ये 299 में रखा था कोर्स, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ये होना चाहिए, 199 में ये कोर्स मिल रहा है, 199 में 100 रुपीज आप लोग ऑफ सेव कर सकते हैं, और आप लोग चक्रव्यूह में जो फंस गए हैं उन बच्चों को बाहर निकालने का तरीका है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और आप लोग अपने तरीके से एग्जाम देना है। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।